वेलकम बैक टू आवर चैनल दादीज किचन। सो आज हम लोग क्या पकाने वाले दादी मी? आज बेटे अपन मूंग की फिक्की दाल बनाने वाले हैं। सिंपल सी रेसिपी है आज अपनी। अच्छा, उसके लिए क्या चाहिए मैं अभी बताऊंगी। ये है 100 ग्राम मूंग की दाल और ये है एक प्याज की डली, ये है थोड़ी कोथमीर, ये दो टमाटर और ये दो हरी मिर्ची, थोड़ा कड़ी पत्ता। तो अपन ये दाल को क्या करते मालूम? चलो उधर किचन हंडी में इसको थोड़ा सा अपन हल्का सा रोस्ट करेंगे, इसको भूनी है ओके, बिना तेल डाल के। हाँ, ऐसे ही भूनना इसको। अच्छा, अभी देखो थोड़ा सा हल्का सा भून के इसको अपन अभी क्या करें इसमें डालेंगे डाल के, ये है गरम पानी, चूल्हा गरम पानी डालना जल्दी से, गलती डालो ये हो गया। अब इसमें डालेंगे प्याज और डालेंगे टमाटर, ये बाद में डाल, रोस्ट कर दिए इसमें डाल के गरम पानी डाले अपन भून के। अब इसमें टमाटर डाले, थोड़ी प्याज डाले और थोड़ी हल्दी डाल दो। तेल एक आधा चम्मच तेल, इसको अपन अभी नरम गलने देंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे। चलो दोस्तों देखो एक उबाल आ गया डालेंगे। अब इसमें जैसे कड़ी पत्ता भी दो हरी मिर्ची डाल देंगे अपन इसमें, और इस पर गर्म पानी रख रही, फिर उसमें जरूरत पड़े तो वो पानी उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे। पूरा नरम होने दो, अभी देखेंगे। अब इसको थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैश करेंगे, मैश करके भगा रहे। अच्छा ठीक है, अब चिल्ला सुलझा के देखते रखेंगे। इसमें डालेंगे अभी तेल, दो चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई, इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा जीरा आधा चम्मच, अभी से भी कम है। थोड़ा इसको चटकने देंगे ओके। अब डालेंगे जो लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग, ये पतला और गाढ़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी पतला नहीं करना, थोड़ा सा ऐसा गाढ़ा ही रखें तो अच्छा रहेगा। इसमें डालेंगे पुदीना, थोड़ा सा एक उबाल आने देंगे उसको, उसके बाद जो सा अपन बंद करेंगे ओके।
दाल है, फिक्की दाल बोलते हैं इसको, मीठी दाल, फिक्की दाल। थोड़ा उबाल आने के बाद एंड करेंगे। हेलो दोस्तों, देखो उबाल आ गया, अब ये हो गया। देखिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जो भी है बोलिए हमारे दादी चैनल को। आप बनाइए, खा के देखिए, मूंग की दाल, स्पेशली मूंग की दाल ऐसे बनाए तो अच्छी लगती। ओके, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।